WHO कोरोना वायरस को हराकर सेहत पाने वाले अफराद के टेस्ट दोबारा से मस्बत आने के मामले की तहकीकात करेगा। आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया है कि वो इन रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के ऐसे मरीज जिनको सेहतयाब करार दे दिया गया है उनका टेस्ट चंद दिन बाद फिर मुस्बत आ गया है। आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक उनका ये कहना था, हम इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि कुछ मरीजों में कोरोना का पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट पहले मनफी आया और कुछ दिन बाद यही टेस्ट मस्बत हो गया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक COVID-19 के मरीजों को इस वक्त सेहतियाब करार दिया जाता है जब उनके कम से कम दो टेस्ट नेगेटिव आए। WHO के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि हम अपने माहिरीन के साथ रابطے में हैं और इन मुस्बत केसेस के बारे में मज़ीद तफसीलात जमा कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब मुश्तबा मरीजों के नमूने इकट्ठे किए जाएं तो इस अमल को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल किया जाए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हुआ है कि COVID-19 के मुतअद्दिल मरीजों की अलामत में जाहिर होने से लेकर क्लिनिकल रिकवरी तक 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन COVID-19 एक नया मर्ज है। हमें मज़ीद वबाई डेटा की ज़रूरत है ताकि कोई नतीजा निकाला जा सके।